हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी वर्डप्रेस में। दोस्तों, अगर आप एक ब्लॉगर हैं और आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वर्डप्रेस में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सभी के सॉल्यूशन के वीडियो हम बनाते हैं। आज दोस्तों एक अलग ही टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज बात करेंगे कोर वेब वाइटल असेसमेंट फील्ड। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम कोर वेब वाइटल को चेक करते हैं तो मोस्टली, यानी अगर मेरे 100 आर्टिकल लिखे हुए हैं तो करीब 90 आर्टिकल वहां पर असेसमेंट फेल नजर आते हैं, और इसको लेकर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैंने 3 महीने मेहनत की है, 6 महीने मेहनत की है, लेकिन ये फील्ड की जगह पास नहीं आ रहा। दोस्तों, तो उसके पीछे काफी सारे रीजन हैं। आपको परेशान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो भी बताएंगे, साथ में इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है वो भी बताएंगे। सारा का सारा कंफ्यूजन सिर्फ एक वीडियो में दूर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें ये बेल आइकन, जिससे कि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि कोर वेब वाइटल के अंदर 3 फैक्टर होते हैं। पहला LCP, दूसरा FID और तीसरा CLS। इन तीनों ही फैक्टर पर अगर आपकी वेबसाइट या फिर आपकी वेबसाइट का पर्टिकुलर आर्टिकल इन तीनों चीजों पर खरा उतरता है तभी वो पास होता है, वरना फेल होता है। और इन तीनों फैक्टरों को पास कराने में अच्छे अच्छे लोगों की हवा निकल जाती है, क्योंकि ये जो फैक्टर हैं ये काफी सारी चीजों पर डिपेंड करते हैं। अगर कोई एक प्रॉब्लम हो तो इंसान उसको सही कर ले। कई सारे ऐसे रीजन होते हैं, अनयूज जावास्क्रिप्ट होती है, कुछ लोग तो अनयूज जावास्क्रिप्ट हटाने के चक्कर में अपनी पूरी वेबसाइट की जो थीम है उसको बेकार कर लेते हैं। तो मैं ये आपको कहना चाहूंगा, अगर आपकी वेबसाइट में ये एरर आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। असेसमेंट फील्ड पर आपको वर्क करना चाहिए, लेकिन उतना वर्क करना चाहिए जितना आपके समझ में आए। दोस्तों, हमने कोर वेब वाइटल क्या होता है इसका एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वहां जाकर देखिए। कोर वेब वाइटल को अच्छे से समझ जाएंगे और कैसे उसको मेंटेन रखना है ये भी आप समझ जाएंगे। जहां तक बात करते हैं कोर वेब वाइटल असेसमेंट फील्ड की, तो हम आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और वहां आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाते हैं, और यहां पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहां पर टाइप करना है Google Search Console। गूगल सर्च कंसोल ओपन करने के बाद आपको गूगल सर्च कंसोल को खोल लेना है, लॉगिन कर लेना है, और यहाँ पर एक अलग वेबसाइट खोलनी है, स्पीड इनसाइड वेबसाइट है, जिसमें हम कोर वेब वाइटल्स चेक करते हैं कि कौन सी वेबसाइट का सही है और कौन सी का गलत है। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट को एंटर करते हैं, hinditechnics.com। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, आप ज़रूर इसको ओपन करिएगा। इसको एनालिसिस करते हैं, देखिए ये एनालिसिस हो चुकी है। यहाँ पर 2.5 सेकंड का FCP है, यानी फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, और यहाँ पर LCP है 3 सेकंड का, जबकि 2.5 सेकंड से कम होना चाहिए, पुअर है। उसके बाद FID 92 है, ग्रीन है, बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पर CLS 0 है, ग्रीन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो LCP है ये बड़ा हुआ है, इस वजह से हमारा कोर वेब वाइटल्स असेसमेंट फेल यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब ये असेसमेंट फेल किस फैक्टर पे होता है इस पर क्लिक कर लेना है और लर्न मोर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आपको 3 फैक्टर मिलेंगे, LCP, FID और CLS। यही तीनों फैक्टर हैं जो कोर वेब वाइटल असेसमेंट को फेल करते हैं या फिर पास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मेरी वेबसाइट को हम देखते हैं, बैक चलते हैं, देखिए इसका स्कोर यहाँ पर 83 है, इसकी परफॉर्मेंस मोबाइल में ठीक है लेकिन इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, पुअर नहीं है, ठीक है, लेकिन 90 से 100 के बीच में अच्छी होती है। अब हम डेस्कटॉप पर जाते हैं तो 98% है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको दिखेगा कोर वेब वाइटल असेसमेंट फेल्ड। तो दोस्तों, इस पर अगर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। अब ये देखिए, मेरा स्कोर 98 है यहाँ पर, और मोबाइल पर देखेंगे 83 है, ठीक है, नॉर्मल है। इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश अगर आप कर सकते हैं LCP को, तो इम्प्रूव कर लीजिए। इम्प्रूव करने के जो तरीके हैं वो नीचे दिखाए गए हैं, देखिए यहाँ पर। पहला तरीका है जो रिड्यूस करिए, जो थर्ड पार्टी कोड्स हैं यानी एडसेंस वगैरह और इजोइक वगैरह जो भी एड लगाते हैं उनके जो एक्सटर्नल कोड होते हैं उनको कम करिए। इसका मतलब
एडसेंस में जाके वहाँ पे जो एड की क्वांटिटी होती है उसको हाई की जगह पे मीडियम कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अनयूज्ड जावा स्क्रिप्ट होती हैं इसके अंदर, वो आपको हटानी है, ठीक है। और यहाँ देखिए LCP में देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको लार्जेस्ट कंटेंट पेज, यहाँ पर जो एलिमेंट है वो ये इमेज है, काफ़ी बड़ी इमेज है, इसको कट करके आप छोटा कर दीजिए तो आपका जो LCP है वो भी इसमें सुधर जाएगा, क्योंकि ये इमेज लोड होने में काफ़ी टाइम लेती है। इसको छोटा कर दीजिए, 10 से 12, 10 से 15 KB की इसको अपलोड करिए, उसके बाद फिर देखिए आपका जो LCP है कितनी स्पीड से सही होता है। तो ये 2-3 चीज़ें आप चेक कर लीजिए, इसके अलावा ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, जितनी भी वेबसाइट के आर्टिकल होते हैं, 90% से ज़्यादा आर्टिकल यहाँ पर असेसमेंट फेल्ड ही रहते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप रियल डेटा देखना चाहते हैं तो यहाँ पर GT मैट्रिक्स में जाकर देखिए, वहाँ आपको रियल डेटा मिलेगा आपकी वेबसाइट का। यहाँ स्पीड इनसाइड से आपको क्या है, सिर्फ एक नॉर्मली स्कोर मिल जाता है जो कि रियल नहीं होता, ऊपर नीचे होता रहता है, और आपकी वेबसाइट में जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो नज़र आ जाती हैं। अगर आपको इसको ज़्यादा हार्डली लेंगे, ज़्यादा दिल पर लेंगे, तो आप कभी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विकिपीडिया नंबर 1 वेबसाइट है सारी इंफॉर्मेशन की। अगर हम विकिपीडिया को सर्च करते हैं, wikipedia.org.in, इसको हम कॉपी करके पेज स्पीड इनसाइड में डालते हैं, तो आपको इसका जो स्कोर है वो देखिए कितना मिलेगा, और यहाँ पर जो असेसमेंट है उसका ये पास नज़र आएगा, देखिए असेसमेंट पास, ठीक है। चलो मान लिया असेसमेंट पास है विकिपीडिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर विकिपीडिया के ही दूसरे आर्टिकल्स, ये तो पूरी वेबसाइट हुई, अब आर्टिकल्स लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम डेस्कटॉप, क्योंकि डेस्कटॉप पर हम काम कर रहे हैं, डेस्कटॉप विकिपीडिया करते हैं। और यहाँ पहला, यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप कंप्यूटर खुलता है, इसको हम आर्टिकल को ले जाते हैं और असेसमेंट इसका चेक करते हैं, तो ये विकिपीडिया का ही आर्टिकल है लेकिन इसका असेसमेंट आपको फेल्ड नज़र आएगा। अब यहाँ पर जितने भी आर्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं विकिपीडिया के, 1, 2, 3, 4 जितने भी आर्टिकल हैं सबको चेक कर लीजिए, सारे के सारे आपको फेल नज़र आएंगे। तो क्या आप इतने एक्सपर्ट हैं जो विकिपीडिया से भी ज़्यादा बेहतर कंडीशन करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट की? तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो स्कोर है वो ठीक ठाक होना चाहिए और आपके LCP, FID और CLS सही होने चाहिए। अगर इनमें से एक दो गड़बड़ कर रहा है तो उसको सही करने की कोशिश कर सकते हैं, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो नो प्रॉब्लम। आर्टिकल्स पर ध्यान दीजिए, कंटेंट पर ध्यान दीजिए, सर्चेबल कंटेंट बनाइए और आपकी जो वेबसाइट है अच्छी रैंक करेगी। देखिए यहां पर 99 मोबाइल में शो कर रहा है और 100% इस पर शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा विकिपीडिया का वो है पेज, ठीक है। अब यहां पर हम इसको सर्च करते हैं तो देखिए असेसमेंट फेल्ड नजर आएगा। तो ऐसा ही होता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कोर वेब वाइटल के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है कोर वेब वाइटल क्या है, हमारा वीडियो अलग से बना हुआ है, उसमें सारे प्रॉब्लम हमने बताए हैं कैसे कैसे आते हैं, कैसे सॉल्व होते हैं। अगर आप LCP सही करना चाहते हैं, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया है LCP को कैसे सही कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।